हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में जो पद आए हुए हैं, बेसिकली हम इसमें स्पेशली बात करेंगे इंग्लिश पीजीटी के। इसमें हम बात करेंगे डिटेल स्टडी सिलेबस के, एग्जाम पैटर्न इंग्लिश से जो पीजीटी के 246 पदों पे जो एक बड़ी वैकेंसीज आई हुई है एकलव्य मॉडल स्कूल में। एक काफ़ी लंबा चौड़ा पद है इंग्लिश पीजीटी का, और इसमें जो बात करेंगे इसके सिलेबस क्या हो सकता है, मेन सब्जेक्ट के जो 70 नंबर के आने वाले एग्जाम पैटर्न पे मैंने बात ऑलरेडी कर चुकी है। अगर एग्जाम पैटर्न को आप लोग एक बार समझने की कोशिश करें तो एग्जाम पैटर्न में टोटल 150 प्रश्न आएंगे, और 150 प्रश्नों पे आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें से 130 प्रश्न आपके रहेंगे, उसमें रीजनिंग रहेगी, मैथ रहेगा, आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन रहेंगे, एनईपी से रहेंगे, बाकी 20 क्वेश्चन जो है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी से रहेंगे, जिसको क्वालिफाई करना आपको जरूरी है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसके पीछे वाले में आपको उसकी लिंक दे दूंगा। तो ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली डिटेल सिलेबस की, किसकी, पीजीटी इंग्लिश की, और इसकी नोट्स की और स्टडी मटेरियल की। नोट्स और स्टडी मटेरियल जो मैंने एनबीएस और केबीएस में प्रोवाइड कराए थे, एनबीएस और केबीएस में सेम उसी का सिलेबस है, सेम उसी पैटर्न पे जैसे एनबीएस में एग्जाम हुए थे उसी के पैटर्न पे भी एग्जाम लेने वाला है। कैसे इंडियन राइटिंग पढ़नी है, कैसे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, इंग्लिश ऑफ लिटरेचर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, पूरा डिटेल सिलेबस मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, और इसके एग्जाम पैटर्न को भी बताऊँगा, और एग्जाम डेट क्या हो सके उस पर भी बात करेंगे। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और इसके डिटेल सिलेबस को देखते हैं। अगर पीजीटी इंग्लिश के हम सिलेबस की बात करें तो पीजीटी इंग्लिश का पूरा सिलेबस चार पार्ट में पलटा हुआ है। चार पार्ट में इसके पूरे सिलेबस को डिवाइड किया गया है। अगर पहले पार्ट में बात करें तो यह रीडिंग की बात करते हैं, यानी रीडिंग की, रीडिंग में हम देखेंगे क्या क्या। दूसरे पार्ट में बात करेंगे तो क्रिएटिव राइटिंग स्किल की बात करेंगे। तीसरे पार्ट में यह थोड़ा सा ग्रामर का पोर्शन डाले हुए हैं, यानी ग्रामर, और चौथे पार्ट में लिटरेचर का है। तो इसके डिटेल सिलेबस को हम लोग देखते हैं कि कैसे वाइज कैसे इसमें दिया गया है। अगर देखें रीडिंग वाले पार्ट में, तो रीडिंग में अनसीन पैसेज आपको आएंगे, जिसमें फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव या लिटरी पैसेज हो सकता है, और उसके लिए इसलिए किस लिए दिया जाता है, आपके कम्प्रिहेंसिव स्टाइल चेक करने के लिए, टू एक्सेस कम्प्रिहेंशन, इंटरप्रटेशन, इन्फ्रेंस एंड वोकाबुलरी। और अनसीन केस बेस्ट पैसेज विद वर्बल एंड विजुअल इनपुट लाइक स्टैटिकल डाटा एंड चार्ट भी आ सकता है, नोट मेकिंग एंड समराइजिंग बेस्ड ऑन पैसेज। बेसिकली ये बता रहा है कि जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन का पैसेज आएगा, अनसीन पैसेज, वो किस बेस्ड पे हो सकता है, या कोई स्टैटिकल डाटा के बेस होगा, चार्ट पे बेस हो सकता है, या वर्बल और विजुअल इनपुट पे हो सकता है बेसिकली, और फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव एंड लिटरी कोई पैसेज भी आ सकता है, यानी एक से दो पैसेज आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिलेंगे, अगर ये पहला पार्ट है या फर्स्ट पार्ट है। अगर सेकेंड पार्ट को हम लोग देखें, क्रिएटिव राइटिंग, तो क्रिएटिव राइटिंग में बेसिकली यहाँ पे दे रहा है, क्रिएटिव राइटिंग में राइटिंग स्किल आपका चेक करेगा, कैसे चेक करेगा, नोटिस, फॉर्मल, इनफॉर्मल इनविटेशन एंड रिप्लाई। अभी भी पूछ रहा है कि जो नोटिस होता है उसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल, इनविटेशन, रिप्लाई की बात करेगा। लेटर से क्वेश्चन पूछेगा कि कैसे लेटर क्या होते हैं, कितने प्रकार के लेटर होते हैं। लेटर बेस्ड ऑन वर्बल एंड विजुअल इनपुट, आर्टिकल रहेगी, रिपोर्ट राइटिंग रहेगा, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल इन नेचर रहेगा, बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर राइटिंग, ए स्पीच इन 120 से 150 शब्दों में लिखने के लिए आएंगे। लिखने को बेसिकली ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पे रहेंगे प्रश्न। और मैंने जो मेरा अनुभव कहता है, जो एनबीएस और केबीएस में इस तरह का जो सेक्शन दिया गया था, इससे इसी तरह के क्वेश्चन बने थे बेसिकली, कि फॉर्मल लेटर की शुरुआत कैसे करेंगे, इनफॉर्मल लेटर कैसे एंडिंग होंगी, डीयर्स किस में लगता है, इस तरह क्वेश्चन बनेंगे। तो आप लोग जो दिया गया इसको देख के घबराइए मत, इस पर पूरा स्टडी मटेरियल मैंने बना रखा है एनबीएस और केबीएस में। अगर वो स्टडी मटेरियल आप लोग चाहते हैं केबीएस एनबीएस में जो बनाए थे सेम पैटर्न सेम सिलेबस पे, अगर उसके कुछ अपडेटेड स्टडी मटेरियल इंग्लिश लिटरेचर है, केवल ये इंग्लिश लिटरेचर का यहाँ मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, तो अगर वो मटेरियल आप चाहते हैं तो सिंपली जो इस पे नंबर दिख रहा है आपको, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना अपने स्टेट का नाम लिख के, या नंबर कौन सा है 7007354360। उस नोट से ऑलरेडी केबीएस में मैंने स्टेटस लगा रखा है, वहाँ जाके देखें कितने बच्चों ने ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुके हैं, वहाँ पर मैंने स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराइए, कॉम्पैक्ट स्टडी मटेरियल, कम समय में कैसे एक अच्छी तैयारी करें। तो ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिलेबस को, तो सिलेबस में हमने देखा कि कैसे ये चीज़ें यहाँ पे बेस्ड हैं। तो इस पोर्शन को बहुत ज़्यादा डीप, मतलब कि नोट्स में मैंने इसके सिलेबस को मेंशन कर रखा है, वहाँ से ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे तो आपका काम यहाँ से बन जाएगा। अच्छा, ये पार्ट सेकेंड हो गया। अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में देखिए क्वेश्चन ऑन गैप फिलिंग, फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे,
टेंस से रहेंगे, क्लॉजेस से रहेंगे। टेंस और क्लॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो केवीएस में और एनबीएस में ऑलरेडी मैंने बताए थे। और क्वेश्चन ऑन रीऑर्डरिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यानी PQRS के क्वेश्चन रहेंगे आपको, यानी रीअरेंज करेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन में सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये कैसे बनते हैं। और फॉर ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव पैसिव भी आ जाता है, नरेशन रहेंगे, वॉयस रहेंगे, यानी पूरा ओवरऑल ग्रामर क्वेश्चन आप ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव पैसिव और नरेशन के भी क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे। तो ओवरऑल ग्रामर का पूरा नोट्स जो है उसमें आपको ऑलरेडी मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है। अगर सबसे इम्पॉर्टेंट और हमारा जो सिलेक्शन देने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इंग्लिश लिटरेचर, अगर इसकी बात करें तो शेक्सपियर्स वर्क, जो शेक्सपियर के वर्क हैं, जितने इसके ड्रामास हैं, ड्रामा हैं, जितने भी इतने 36 प्ले लिखे हुए हैं, प्लस नैरेटिव पोयम, प्लस नैरेटिव पोयम से भी क्वेश्चन बनते हैं। नैरेटिव पोयम, अब भाई जैसे नैरेटिव पोयम को हो गए, शेक्सपियर को हो गए, फोर ग्रेट ट्रेजेडी तो पढ़नी ही पढ़नी है, रोमांटिक प्ले पढ़ने हैं, हिस्ट्री प्ले एक दो पढ़ लीजिए, तो इस शेक्सपियर के वर्क से ओवरऑल क्वेश्चन बनेंगे आपको। इन्होंने जो भी नैरेटिव पोयम लिखी है उससे क्वेश्चन बनेंगे। 154 सोनेट लिखे हैं तो उसमें से दो चार इंपॉर्टेंट सोनेट आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो बेसिकली शेक्सपियर वाला पोर्शन आपको डिटेल स्टडी करना है। अब देखिए रोमांटिक पीरियड, यानी रोमांटिक पीरियड को भी आपको पढ़ना है। बेसिकली रोमांटिक पीरियड में जैसे एग्जांपल में सैली हो गए, वर्सवर्थ हो गए, किट्स हो गए, कॉलरिज हो गए, ये तो हो गए। इसके अलावा चार्ल्स लैम को भी पढ़ना पड़ेगा आपको, चार्ल्स लैम भी पढ़ना पड़ेगा। यानी ये तो है स्पेशलाइज रेफरेंस, लेकिन रोमांटिक पीरियड से जो लोग बिलोंग करते थे जैसे चार्ल्स लैम हो गए, इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, डिटेल स्टडी इनकी करनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। पीबी शैली के क्वेश्चंस हो गए, इनके एक दो पोएम तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, जैसे ओटो रुविस्टोनर स्काइलार गए। वर्सवर्थ की बात कर रहे हैं तो इसकी इनकी तो कम से कम 10-12 पोएम, टिंटन अबे और ट्विंटी मेट्री इसको पढ़ लेंगे, रीत गजब पढ़ेंगे, सोल्ट रीपर हो गया, रेनबो हो गया, डेफोल्डी हो गया, द वर्ल्ड इज टू मच विथ हो गया, यानी ये सब चीजें आपको इनकी वर्ड्सवर्थ की सारी पोएम मैंने डिटेल में अपने नोट्स में शामिल की हैं, उसको पढ़िए, देखिए आपको एक कॉम्पैक्ट स्टडी मिलेगी। जॉन किट्स हो गए, कॉलरिज हो गया, तो ये चीजें आपको यहां से पढ़ने को पढ़ेंगे कि एक ओवरऑल लिटरेचर का पोर्शन आपको दिया गया पढ़ने को। अब देखिए 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी, अगर 19th सेंचुरी की बात करें तो विक्टोरियन एज, यानी कौन सा एज, विक्टोरियन एज की डिटेल स्टडी आपको करनी है। और 20th सेंचुरी उसमें आ जाता है लास्ट तक, तो पोस्ट मॉडर्निज्म के थ्रू कुछ राइटर आएंगे। अब देखिए उसमें 20th सेंचुरी क्या करा, सेंचुरी अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर, अमेरिकन और इंग्लिश लिटरेचर दोनों मिला के उस एज के जो प्रोमिनेंट राइटर थे। अगर अमेरिकन लिटरेचर की बात कर लें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेमिंगवे, वाल्ट विटमैन, नेथानियल हॉथर्ने, इमली डिक्शन, अब जी बी सॉ, आर्थर मिलर, इसके अलावा वाटर पिंटर, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा जो 19th सेंचुरी में हैं, उसको भी पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं इसमें राइटर जो दिएंगे, इसकी डिटेल स्टडी तो आपको करनी है, जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेमिंगवे हो गया, वाल्ट विटमैन हो गया, और नेथानियल हॉथर्ने हो गए, इमली डिक्शन, इनके वर्क से लेके इनके कलेक्शन पे भी, राइटिंग स्टाइल पे भी आपको वर्क करना है। अब देखिए आगे अगर बढ़ते हैं तो मॉडर्न इंडियन राइटिंग में आते हैं। मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में कौन कौन आएंगे, ऑलरेडी देखिए सेम सिलेबस KBS और NBS में इसकी ऑलरेडी स्टडी मटेरियल मेरे पास तैयार है, आप लोग मैसेज करें आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर देखें इसमें स्टडी मटेरियल के अलावा इसमें मॉडर्न में कौन, अनीता देसाई आए हैं, विक्रम सेठ आए हैं, निजी मिश्किल आए हैं, KN दारूवाला, ऑलरेडी मैंने इस पर अपने चैनल पर वीडियो को भी डिटेल इनके बायोग्राफी बना रखी है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। रस्किन बॉन्ड है गए, RK नारायण हो गए, मुल्क राज आनंद हो गए, खुशवंत सिंह हो गए। अब देखिए इसमें जो है जो राइटर हैं विक्रम सेठ, खुशवंत सिंह, KN दारूवाला, रस्किन बॉन्ड, ये थोड़ा नए राइटर है, इसको मैंने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है। तो ये चीज़ें भी आपको काफ़ी अच्छे से समझनी पड़ेंगी कि मॉडर्न इंडियन राइटिंग में क्या किसका रोल दान। अब देखिए अगले पार्ट में अगर चलेंगे सिलेबस के तो मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, केवल आपको ब्रिटिश हिस्ट्री, अमेरिकन हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अदर पार्ट ऑफ वर्क में क्या है, लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका का राइटर, अफ्रीका, अफ्रीका की बात करें तो चिनुआ अचेबे का थिंग फॉल अपार्ट, बेन ओराकी पढ़ना पड़ेगा, चिनुआ अचेबे पढ़ना पड़ेगा आपको, तो ये राइटर हैं। ऑस्ट्रेलियन में पढ़ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पढ़ रहे, उसके रॉबर्ट जॉर्डन पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी आपको ऑस्ट्रेलियन राइटर में भी दो चार राइटर आपको हम बता देंगे जिनकी स्पेशल रेफरेंस, उनके कुछ एक एक दो दो वर्क पढ़ लेंगे, आपका काम यहाँ से हो जाएगा। और साउथ एशिया के प्रोमिनेंट पोएट और राइटर की बात यहाँ पे करेंगे, तो जो ऑलरेडी हम सबमिट किए। तो ओवरऑल देख रहे हैं जो लिटरेचर का पोर्शन दिया गया इतना आसान नहीं है, सारे वर्ल्ड के लिटरेचर के, सारे वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से आपको टच करना है। तो इसमें आप लोग देखेंगे
कि जो लिटरेचर वाला सेक्शन है तो इसमें ए वाला पोर्शन और ए वाला पोर्शन आपको काफ़ी अच्छे से तैयार करना है। बाकी अमेरिकन लिटरेचर पे स्टडी मटेरियल तो मिल जाए ही आपको, ऑलरेडी वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये पीजीटी का डिटेल सिलेबस था जिसको देखेंगे। और इसमें देखिए अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न जो हमारा है टोटल 150 नंबर का है। आपको पता है 70 नंबर तो आपके इसी लिटरेचर वाले पोर्शन से ही रहेंगे, मेन सब्जेक्ट से। बाकी जो 80 प्रश्न बचे हुए हैं, 80 प्रश्न बचे हुए हैं तो 80 प्रश्न में आपको 20 नंबर तो हिंदी इंग्लिश के रह जाएंगे, और जो है 20 नंबर आपकी रीजनिंग की रहेगी, 10 नंबर जीएस का रहेगा, और 10 नंबर आपके आईसीटी हो गई, और 10 नंबर आपके टीचिंग एप्टीट्यूड हो गई। तो इस तरह से बटे हुए हैं। तो बेसिकली आपका सिलेक्शन इस सब्जेक्ट वाले पोर्शन से, तो घबराइए मत। ये डिटेल सिलेबस है, अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके बाद हम उस पर रिप्लाई जरूर करेंगे। तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।